नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कानपुर सेंट्रल उत्तर प्रदेश से मुंबई तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कानपुर से मुंबई तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम उन सभी ट्रेनों के नाम और नंबर और ट्रेन का प्रस्थान और आगमन का समय क्या है और जो ट्रेन है कौन से दिन चलती है कानपुर से और कौन से स्टेशन पर पहुँचती है मुंबई के और वो जो ट्रेन है उसमें कौन कौन से कोचेस हैं और ट्रेन जो है कितना सफ़र कवर करती है यानी कि कितनी देरी में अपना जो है किलोमीटर कवर करती है और उसकी एवरेज स्पीड क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस रूट पर जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो है गोरखपुर मुंबई CSMT अंत्योदय एक्सप्रेस जो कि 21 घंटे 10 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। और इस रूट पर मेल एक्सप्रेस, AC एक्सप्रेस, एक AC सुपर फास्ट ट्रेन और सुपर फास्ट ट्रेन और 3 अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन इस रूट पे चलती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे ही आगे एक एक करके बात कर लेते हैं कानपुर सेंट्रल से मुंबई तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। कानपुर से मुंबई के बीच में जो सबसे पहली ट्रेन चलती है वो है सीतापुर जंक्शन मुंबई LTT सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जिसका ट्रेन नंबर है 12108। ये जो ट्रेन है कानपुर सेंट्रल से हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को रात को 12:10 पे रवाना होती है और 21 घंटे 40 मिनट बाद लोकमान्य तिलक टर्मिनस में रात के 9:50 पे लोकमान्य तिलक टर्मिनस में पहुंचती है। इसके तकरीबन 11 स्टेशन्स हैं और 1335 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 62 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड AC, थर्ड AC स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पर चलती है जो कि कानपुर को मुंबई से कनेक्ट करती है वो है कुशीनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जिसका ट्रेन नंबर है 22537। कुशीनगर सुपरफास्ट ट्रेन जो है वो हर रोज़ रात के 1:30 पे कानपुर सेंट्रल से 4 प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 22 घंटे 40 मिनट बाद रात के 12:10 पे लोकमान्य तिलक टर्मिनस में 5 प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 33 स्टेशन हैं और 1335 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पे लगभग 60 किलोमीटर पर आवर है। सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है, नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। कोचेस के बारे में बात करें तो फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और पेंट्री कार का कोच शामिल है। इसके बाद कानपुर को मुंबई से कनेक्ट करने वाली जो अगली ट्रेन है वो है अवध एक्सप्रेस जिसका ट्रेन नंबर है 19038। अवध एक्सप्रेस ट्रेन जो है कानपुर सेंट्रल से रोजाना रात के 1:50 पे 9 प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 26 घंटे 15 मिनट बाद बांद्रा टर्मिनस मुंबई में सुबह 4:05 पे ये 5 प्लेटफॉर्म पे जाके पहुंचती है और इसके तकरीबन 41 स्टेशन हैं, 1496 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पे 57 किलोमीटर पर आवर है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। और इसमें अगर कोचेस के बारे में बात करें तो फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। अवध एक्सप्रेस डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पर चलती है वो है गाजीपुर सिटी बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जिसका ट्रेन नंबर है 20942। ये जो ट्रेन है कानपुर सेंट्रल से हर सोमवार और बुधवार को रात को 3:40 पे 1 प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 24 घंटे 40 मिनट बाद सुबह के 4:20 पे बांद्रा टर्मिनस मुंबई में जाके पहुंचती है 1 प्लेटफॉर्म पे और इसके तकरीबन 19 स्टेशन हैं, 1516 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पे 61 किलोमीटर पर आवर है। सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है, वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और इसमें फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। यह कानपुर सेंट्रल से हर सोमवार और बुधवार को रात को 3:40 पे 1 प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 24 घंटे 40 मिनट बाद बांद्रा टर्मिनस में सुबह 4:20 पे 1 प्लेटफॉर्म पे जाके पहुंचती है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पे चलती है जिसका नाम है गोरखपुर मुंबई LTT सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो कि वाया कानपुर होकर चलती है। इसका ट्रेन नंबर है 20104 यानी कि 20104। ये जो ट्रेन है कानपुर सेंट्रल से रोजाना सुबह के 6:30 पे 5 प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 22 घंटे 5 मिनट बाद लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई में सुबह 4:35 पे 1 प्लेटफॉर्म पे लोकमान्य तिलक टर्मिनस में पहुंचती है। इसके तकरीबन 10 स्टेशन हैं और 1335 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पे 60 किलोमीटर पर आवर है।
सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है, सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। कोचेस के बारे में बात करें, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और पेंट्री कार का कोच शामिल है। इसके बाद जो अगली ट्रेन जो कि कानपुर को मुंबई से कनेक्ट करती है वो है उद्योग नगरी एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12174। उद्योग नगरी एक्सप्रेस का के बारे में बात करें तो ये हर मंगलवार और गुरुवार को सुबह 7:55 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 21:35 बाद मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस में सुबह 5:30 पर 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके पहुंचती है। इसके तकरीबन 9 स्टेशन हैं और 1335 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पे 62 किलोमीटर पर आवर है। कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और पेंट्री कार का कोच शामिल है। LHB कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद कानपुर से मुंबई तक चलने वाली जो अगली ट्रेन है वो है छपरा मुंबई LTT अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 15101। ये जो ट्रेन है कानपुर के गोविंदपुरी से हर बुधवार को सुबह 8:05 पर ये रवाना होती है और 21:45 बाद ये ट्रेन जो है सुबह 5:50 पर ये लोकमान्य तिलक टर्मिनस में पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 12 स्टेशन हैं और 1331 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पे 61 किलोमीटर पर आवर है। अंत्योदय टाइप की ट्रेन है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। कोचेस के बारे में बात करें तो LHB कोचेस होते हैं। अंत्योदय एक्सप्रेस में सिर्फ जनरल डिब्बे होते हैं तो आप जनरल टिकट लेकर चढ़ सकते हैं। जनरल डिब्बों के तकरीबन इस ट्रेन में 20 से 22 कोच होते हैं और जनरल टिकट का किराया लगभग 350 रुपये के करीब होता है, जो कि कानपुर से मुंबई तक का बता रहा हूँ। फिर भी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पर चलती है वो है सुल्तानपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 12144। ये जो ट्रेन है हर मंगलवार को सुबह 8:30 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 22:55 बाद ये ट्रेन जो है बुधवार को सुबह 7:25 पर 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई में पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 11 स्टेशन हैं और 1335 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पे है 58 किलोमीटर पर आवर। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, हर मंगलवार को ये चलती है सुबह 8:30 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म से कानपुर सेंट्रल से चलती है। और कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें LHB कोचेस जो है दिए गए हैं, सेकंड एसी, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। पेंट्री कार का कोच इसमें शामिल नहीं है। और ये जो ट्रेन मैं आपको दोबारा बता दूं, इसका ट्रेन नंबर है 12144 और कानपुर सेंट्रल से लोकमान्य तिलक टर्मिनस की दूरी जो है 22:55 में कवर करती है। इसके बाद जो अगली ट्रेन है इस रूट पे है जो कि है गोरखपुर बांद्रा टर्मिनस अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 22922। ये जो ट्रेन है हर मंगलवार को दोपहर के 12:20 पे 8 या 9 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 26:05 बाद अगले दिन बुधवार को दोपहर के 2:25 पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके पहुंचती है। इसके तकरीबन 15 स्टेशन हैं और 1616 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 62 किलोमीटर पर आवर। अंत्योदय टाइप की ट्रेन है, वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और LHB कोचेस वाली ट्रेन है। इसमें तकरीबन LHB 20 कोचेस होते हैं जनरल डिब्बों के और तकरीबन किराया 360 रुपये के करीब है। इसके बाद जो सबसे सुपर फास्ट ट्रेन है इस रूट पे है वो है गोरखपुर मुंबई CSMT अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 12597। हर मंगलवार को दोपहर के 3:10 पर ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म से कानपुर सेंट्रल से रवाना होती है और 21:10 बाद अगले दिन दोपहर के 12:20 पे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई में पहुंचती है। और इसके तकरीबन 8 स्टेशन हैं और 1354 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पे है 64 किलोमीटर पर आवर। अंत्योदय टाइप की ट्रेन है, इसमें जनरल डिब्बे होते हैं तो जनरल टिकट लेके आप चढ़ सकते हैं। तकरीबन किराया 360 रुपये होगा इसका, बाकी आप कन्फर्म जरूर करें टिकट किराया एक बार। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पे चलती है वो है गोरखपुर मुंबई LTT एक्सप्रेस, जो कि वाया बढ़नी होकर चलती है। इसका ट्रेन नंबर है 11080। हर शनिवार को कानपुर सेंट्रल से शाम के 4 बजे 5 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 23:05 बाद अगले दिन दोपहर के 3:05 पे लोकमान्य तिलक टर्मिनस में 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। और इसके तकरीबन 11 स्टेशन हैं, 1335 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 58 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं।
इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पर चलती है वो है गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 15065। हर इतवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को कानपुर सेंट्रल से शाम के 4 बजे 4 या 5 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 22 घंटे 50 मिनट बाद पनवेल जंक्शन मुंबई में दोपहर के 2:50 पर 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। इसके तकरीबन 14 स्टेशन हैं, 1334 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इस पे कोचेस के बारे में बात करें, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पर चलती है वो है गोरखपुर बांद्रा टर्मिनस वीकली एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 15067। हर बुधवार को कानपुर सेंट्रल से शाम के 4 बजे 5 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 25 घंटे 30 मिनट बाद बांद्रा टर्मिनस में शाम के 5:30 पर 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके पहुंचती है। इसके तकरीबन 15 स्टेशन हैं और 1487 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है कानपुर से मुंबई तक का, और 58 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पर चलती है वो है लखनऊ मुंबई LTT AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 22122। ये जो ट्रेन है हर इतवार को कानपुर सेंट्रल से शाम के 5:55 पे 5 या 4 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 22 घंटे 40 मिनट बाद लोकमान्य तिलक टर्मिनस में शाम के 4:15 पे अगले दिन पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 10 स्टेशन हैं, 1335 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पे है 60 किलोमीटर पर आवर। AC सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC और पेंट्री कार का कोच इसमें शामिल है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पे चलती है वो है कानपुर सेंट्रल बांद्रा टर्मिनस वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 22443। हर बुधवार को कानपुर सेंट्रल से शाम के 6:10 पर ये 5 या 6 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 26 घंटे 45 मिनट बाद बांद्रा टर्मिनस में अगले दिन रात के 8:55 पे 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 22 स्टेशन हैं, 1616 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पे 60 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और इसमें सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। कोचेस के बारे में बात करें तो जनरल डिब्बों के तकरीबन 4 कोच हैं जो कि इंजन की तरफ लगाए गए हैं। सेकंड AC का 1 कोच है, थर्ड AC के तकरीबन इसमें 7 कोच हैं और 8 कोच इसमें स्लीपर क्लास के हैं। ये कानपुर से ही स्टार्ट होती है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पर चलती है वो है लखनऊ जंक्शन बांद्रा टर्मिनस वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 20922। ये जो ट्रेन है हर इतवार को शाम के 7:20 पे 8 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 25 घंटे 35 मिनट बाद अगले दिन रात के 8:55 पे बांद्रा टर्मिनस में 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 22 स्टेशन हैं, 1616 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पे 63 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके बाद कानपुर को मुंबई से कनेक्ट करने वाली जो आखिरी ट्रेन है इस रूट पर है वो है पुष्पक एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12533। पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन जो है कानपुर सेंट्रल से रोजाना रात के 11:10 पे 4 या 5 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 23 घंटे 35 मिनट बाद अगले दिन रात के 10:45 पे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाकर रुकती है। इसके तकरीबन 14 स्टेशन हैं, 1354 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 57 किलोमीटर पर आवर। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट AC, सेकंड AC, AC इकॉनमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। तो दोस्तों, इसी के साथ कानपुर से मुंबई तक चलने वाली सभी ट्रेन की जानकारी की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं किसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। इसी तरह